और अब वक्त हुआ है हमारे हफ्तेवार स्पोर्ट्स राउंडअप का, जिसके लिए हमारे साथी गज़नफर हैदर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। तो गज़नफर, आज हम बात शुरू कहाँ से करें? स्पोर्ट्स राउंडअप में आज हम स्पोर्ट्स मलबूसात बनाने वाली कंपनी नाइकी के बारे में बात करेंगे। उनका एक जूता था जिसके गिर्द बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, बहुत से नाकदीन ने एतराज़ उठाए थे। इस जूते का नाम है वेपरफ्लाई और वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने बिलाखिर इस जूते को आने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। तो लेकिन इन जूतों पर इतना मसला हुआ क्यों? ऐसा क्या ख़ास है इनमें? गुज़िश्ता साल 36 जो मैराथन रेसेस हुई थी, मेलनाकॉय मुकाबले हुए थे, उनमें से 31 जो फातह खिलाड़ी थे उन्होंने ये जूते इस्तेमाल किए थे। इस जूते की ख़ास बात यह है कि ये भागने वाले की तवानाई या एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होने देता। आम जूतों में जब खिलाड़ी भागता है तो उसकी एनर्जी खारिज होती है। इन जूतों में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि वो एनर्जी या वो तवानाई अपने अंदर जज्ब करके खिलाड़ी को वापस देती है। यानी कि अगर आपने ये वाले जूते पहने हों तो खिलाड़ी ज़्यादा देर तक ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं। बिल्कुल, और इसकी वजह यह है कि इसकी तह में या इसकी सोल में जो है वो कार्बन फाइबर प्लेट्स लगी हुई हैं। कार्बन फाइबर प्लेट्स जो हैं वो सारा का सारा जोर अब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर, और उसके बाद जो है स्प्रिंग की मदद से वो सारा का सारा जोर जो है वो खिलाड़ी को वापस देती हैं, उसके पाँव को वापस देती हैं। तो ना सिर्फ वो ज़्यादा तेज़ भागता है बल्कि वो थकता भी देर से। अच्छा, जो आम जूते हैं और जो वेपरफ्लाई है, इनकी जो रफ्तार है, अगर फ़र्क देखा जाए तो कितना फ़र्क पड़ता है? 5% का फ़र्क है, 4 से 5% का फ़र्क है। दिखने में और सुनने में तो ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन के जितने भी बैन अकावी मुकाबले होते हैं उनमें पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी रफ्तार या उनकी जो स्पीड होती है, विनिंग जो मार्जिन होता है उसमें 2 या 3% का फ़र्क होता है। तो अगर आपके पास एक ऐसा जूता है जो आपको 4% तक की बढ़तरी दे रहा है तो यही 4% हार या जीत का फैसला कर सकता है। और इसके बावजूद जो इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन है उन्होंने इजाज़त दे दी ओलंपिक्स में, उनका मौक़िफ़ क्या है? उन्होंने इजाज़त दे दी है, लेकिन उनका कहना यह है कि अगर आप इसमें सिर्फ एक कार्बन फाइबर प्लेट लगाते हैं और इसके सोल की जो ऊंचाई है वो 40 मिलीमीटर तक महदूद रखते हैं तो आप ये जूते जो हैं वो आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर मैंने ये जूते पहन दिए तो मैं भी बहुत तेज़ भागूँ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तेज़ भागेंगे। बहुत शुक्रिया।